राजधानी दुमका के बस स्टैंड को आदिवासी छात्रों ने 5 घंटे तक जाम कर दिया। दरअसल एक राज एंड राजबस के मालिक का बेटा मोहम्मद प्रिंस और स्टैंड के मोहम्मद नुरुल सहित लगभग 8 लोगों ने आदिवासी युवक मृणाल हेमरम को पीट कर घायल कर दिया। मृणाल अपनी बहन को पाकुड़ जाने की बस में चढ़ाने के लिए दुमका बस स्टैंड आया था। मृणाल ने बस के स्टाफ से अपनी बहन के लिए लेडीज सीट देने को कहा। इसी दौरान बस के मालिक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मृणाल को पीटकर घायल कर दिया। उसके बाद घायल मृणाल बस स्टैंड के मुख्य गेट पर धरना पर बैठ गया। उसके बाद सैकड़ों आदिवासी युवकों ने बस स्टैंड से बसों को निकलने से रोककर धरना पर बैठ गया। इसकी सूचना मिलने पर दुमका नगर थाना के थाना प्रभारी अरविंद कुमार और अंचलाधिकारी यमुन रविदास पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार ने युवकों को समझाया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद नगर थाना पहुंचकर मृणाल ने लिखित शिकायत की है। घायल का दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंचलाधिकारी यामुन रविदास की पहल पर बसों का परिचालन शुरू कराया गया। 5 घंटे के बाद बस का परिचालन शुरू हो गया। बस स्टैंड में बसों का परिचालन आगे दिया गया था, क्या स्थिति है और क्या सुला निकला? मृणाल हेमरम नाम का एक लड़का था जो कि जरवाडी के रहने वाले हैं। सीट को लेकर के जो है आपस में तूतू में हुआ है, तो गाड़ी की नंबर भी मैंने कि जो है उसके पास था, गाड़ी का नंबर हम लोगों को मिल गया है। थाना स्तर पर मैंने जो है उनके द्वारा FIR कर दिया गया है और जो इस तरह का नजायज़ करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो भी उत्पन्न करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर हम लोग अब आगे बढ़ चढ़ करके FIR करेंगे।